गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कक्षा 6 हिंदी। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 बुझो तो जाने पहेलियां थी उसके अंदर वो कंप्लीट कर लिया। आज हम करने जा रहे लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं 8 नंबर का, जिसका नाम है राजा का हिस्सा। तो इस पाठ के अंदर राजा भोज के प्रजा वत्सल के बारे में यहाँ पे बताया गया। आप सब लोगों ने राजा भोज का नाम तो सुना ही होगा। वो हमारे भारत के एक महान ऐसे राजा थे कि वो बहुत ही प्रजा वत्सल थे और उसके अंदर शौर्य और वीरता फूट फूट के भरी हुई थी और वो एकदम वो देश विदेश में भी वो एकदम से प्रख्यात थे। तो यहाँ पे ऐसे ही प्रजा वत्सल्य, उसके जो प्रजा थी, उसकी प्रजा, उसके राज्य के अंदर एक भी ऐसा कोई मनुष्य नहीं था कि जो कभी भी भूखा सोए। वो इतने प्रजा वत्सल्य राजा थे, बहुत ही दयालु थे। उसके पास बहुत ही धन पड़ा हुआ था, लेकिन वो धन का उपयोग वो गरीबों को दान करने के लिए ही उसका उपयोग करते थे। तो यहाँ पे ऐसे ही राजा भोज के बारे उसमें से किस्सा यहाँ पे दिया गया है। उसके अंदर एक किसान और उसकी पत्नी की यहाँ पे स्टोरी दी गई है। अब हम देखते हैं कि उस स्टोरी में क्या है और यहाँ पे राजा भोज के अलग अलग स्वभाव, कि वो स्वभाव से कैसे थे, उसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। इस कहानी में एक प्रजा वत्सल्य राजा का वर्णन है। राजा प्रजा की कठिनाइयों में हमेशा उसकी मदद के लिए तत्पर रहते हैं। सभी आपको पता है कि राजा का कार्य क्या होता है, कि राज करना और राज्य के अंदर जो भी कठिनाइयां हो उसको सोल्व करना और प्रजा की मदद करना। तो यहाँ पे देखते हैं कि वो अपने प्रजा की कठिनाइयों का सामना और उसको किस प्रकार से मदद करते हैं देखते हैं। राजा भोज बड़े प्रजा वत्सल थे, यानी कि वो प्रजा को बहुत ही प्रेम करने वाले, वाहल करने वाले ऐसे राजा थे। वे स्वयं राज्य में घूम घूम कर प्रजा की कठिनाइयों को देखा करते थे और उन्हें यथासंभव दूर किया करते थे। वो क्या करते थे कि वो खुद जाकर राज्य में प्रजा की कठिनाइयों को क्या करते थे, वो देखने जाते थे कि प्रजा को क्या कठिनाइयां हैं और वो संभव हो सके तो वो सभी कठिनाइयों को दूर करने का प्रयत्न राजा भोज करते थे। एक दिन राजा अपनी रानी के साथ रथ पर सवार होकर राज्य का भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करना यानी घूमना। तो एक दिन राजा भोज है वो अपनी रानी के साथ रथ पर बैठकर राज्य घूम रहे थे। वे राजधानी से बहुत दूर निकल गए, यानी कि वो अपने खुद के राज्य से बाहर निकल गए। घूमते घूमते उन्होंने देखा कि एक खेत में एक किसान हल जोत रहा है। हल जोतना यानी पहले के जमाने में क्या होता था, इस प्रकार से हल जोता जाता था। यहाँ पे दो बैलों को रखा जाता था और बीच में इस प्रकार से हल को जोता जाता था, मगर उसके हल में एक ही बैल है, दूसरे बैल के स्थान पर उसकी स्त्री हल खींच रही है। क्या है यहाँ पे कि एक साइड पे बैल था और दूसरी साइड पे उसकी किसान की पत्नी है, यहाँ पे देख सकते हो। और ये हल खींचना कोई आसान कार्य नहीं है, बहुत कठिन होता है, इसमें हमें बहुत मेहनत लगती है। तो यहाँ पे क्या कर रही थी, यहाँ पे जो किसान की पत्नी है वो दूसरे बैल की जगह वो खड़ी थी और वो हल जोत रही थी और वो खेत में उसकी मदद कर रही थी अपने पति की। राजा भोज ने रथ रोका और किसान के पास जाकर कहा, भले आदमी तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो, भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है। अब यहाँ पे राजा भोज को दया आ गई तो वो रथ से नीचे उतर कर वो किसान के पास गया और उसने क्या बोला कि भले आदमी ये तुम क्या कर रहे हो, ऐसे अत्याचार कौन करता है, ऐसे कार्य करने से तुम्हारी पत्नी बीमार हो जाएगी। यहाँ पे स्त्री को भी हल में जोता गया था, तो एक स्त्री है वो आपको पता है कि वो कार्य सब कुछ कर सकती है लेकिन वो शरीर से निर्बल होती है, वो पुरुष के समान वो उतना सारा काम नहीं कर सकती है।
तो यहाँ पे उसकी पत्नी को जोता गया था, तो उसको दया आ गई राजा भोज को, इसलिए वो उसको कहने लगे कि तू ये अत्याचार क्यों कर रहा है अपनी पत्नी पर। मेरा एक बैल मर गया है, दूसरा बैल खरीदने के लिए मेरे पास धन नहीं है, अगर खेत न जोता तो मैं खाऊंगा क्या? कहकर किसान पुनः अपने कार्य में लग गया। अब यहाँ पे क्या हुआ था, अपनी पत्नी को दूसरी बैल की जगह, तो उसको क्यों जोता गया था? क्योंकि उसका एक बैल मर गया था और दूसरा खरीदने के लिए उसके पास धन यानी पैसे नहीं थे, इसीलिए अगर जो उसको जोता नहीं गया तो मैं खाऊंगा क्या। और इतना बोलकर किसान है वो पुनः यानी कि फिर से वो अपने काम में जुड़ गया। उसे क्या पता था कि उससे बात करने वाला कौन है, यानी कि जो राजा भोज है वो अपना वेश बदल कर आए थे, कि वो राजा बनकर नहीं आए थे, एक सामान्य व्यक्ति बन के आए थे, तो उसको पता नहीं था किसान को कि ये राजा है। राजा ने कहा, अरे भाई जरा सुनो तो, जो कहना है मेरे साथ चलते चलते कहो, मेरा काम क्यों रोकते हो? किसान ने कहा, यहाँ पे किसान ने उसको क्या कहा कि जो भी कहना है वो मेरे साथ चलते चलते कहो, मैं तेरे लिए फ्री नहीं हूँ, मैं मेरा काम नहीं रोकूंगा तेरे लिए, तो तुझे जो भी कहना है मेरे साथ साथ चलो और कहो। यहाँ पे देखो एक किसान की एक अपने काम के प्रति लगन दिखाई दे रही है, कि वो एक भी समय वो गंवाना नहीं चाहता, एक भी मिनट वो गंवाना नहीं चाहता है, वो अपना कार्य फटाफट से पूरा करना चाहता है। तो यहाँ से हमें सीख मिलती है कि हमें भी हमारा कार्य एकदम अपने मन से लगन से करना चाहिए। तो यहाँ पे किसान है वो भी अपने कार्य के प्रति एकदम प्रेम रखता है, वो लगन से कार्य करता है। राजा भोज उसके साथ साथ चलने लगे। अपने काम के प्रति किसान की लगन देखकर राजा भोज बहुत प्रभावित हुए, यानी कि वो किसान को उसके काम के प्रति इतना प्रेम लगाव देखकर वो भी बहुत ही आनंदित हो गए। वह बोले, भले आदमी, इस प्रकार तो तुम्हारी पत्नी थक जाएगी और थकावट की वजह से कोई दूसरा कार्य भी नहीं कर सकेगी, यानी कि तेरी पत्नी है वो ऐसे जोत खींचते जा रही है, अगर वो ऐसे खींचेगी और वो थक जाएगी तो वो दूसरा भी कुछ कार्य नहीं कर सकेगी। किसान बोला, तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूं। राजा ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं अपना एक बैल तुम्हें दे देता हूँ, मगर इतनी देर मुझे काम रोकना पड़ेगा, तुम ही बैल ला दो। किसान बोला, राजा ने क्या कहा कि मैं तुम्हें अपना एक बैल देता हूँ, लेकिन यहाँ पे किसान ने क्या बोला कि मगर मैं मेरा काम रोकना नहीं चाहता हूँ, तुम ही तुम्हारे बैल यहाँ पे मुझे लेके लाओ और मुझे दे दो। यहाँ पे भी देखो किसान की अपने काम के प्रति कितनी लगन दिखाई दे रही है। अब अच्छा ऐसा करो, तुम अपनी पत्नी को रथ के पास भेज दो, वह मेरी पत्नी से बेल ले आएगी, तब तक मैं तुम्हारे हल में जुतूंगा, राजा ने कहा। यहाँ पे राजा देखो कितने दयालु है, कि वो क्या कहने लगे कि तुम्हारी पत्नी को उस हल की जोता है वहां से हटाओ, मैं वहां पे हल में जोत जोत जाता हूँ, और तू तेरी पत्नी को मेरी पत्नी के बाजू पास भेजो, पत्नी से वहां पे बेल लेके आने के लिए तुम अपनी पत्नी से कहो। अब यहाँ पे वो किसान की पत्नी है वो वहां पे जाएगी, वहां पे बेल लेके आएगी या नहीं लेके आएगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि अब उसकी किसान की जो खेत है वो ठीक से उसका जो पाक होगा वो होगा या नहीं होगा, होगा तो किस प्रकार का होगा, और वो उसका बेल लेके आएगा या नहीं लेके आएगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है।